हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय किचन शालूज लव बुक। और आज की रेसिपी है कर्ड राइस। ये इस कर्ड राइस की रेसिपी को हम बासी चावलों का के साथ बनाएंगे। आप चाहें तो इसे फ्रेश चावल के साथ भी बना सकते हैं, ये इक्वली अच्छी लगती है। पर मैं यहाँ पर आपको बासी चावलों का यूज़ करना बताऊँगी कि किस तरीके से आप बासी चावलों का यूज़ करके आप कर्ड राइस बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी। आइए मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक कप गाढ़ा दही हमने लिया है और दो कप ओवर कुक्ड राइस हमने लिए हैं, यानी कि ज़्यादा पके हुए राइस हमने लिए हैं। अगर आपके पास बचे हुए चावल हैं और वो ज़्यादा ओवर कुक्ड नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पके हुए नहीं हैं, तब भी आप उसको आप इस तरीके से हाथों से मैश करके आप उसको अपने कर्ड राइस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, हमने चावल को, बासी चावलों को हाथों से मैश कर लिया है। उसमें हमारा जो गाढ़ा दही है वो हम इसमें डाल रहे हैं। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक भी डाल देंगे। इसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से मैंने एक स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमारा ये जो कर्ड राइस है, इसमें सिर्फ एक चीज़ बची है, वो है इसका छौंक। हालांकि छौंक लगाने से पहले हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए या 20 से आप 30 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए। ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है, अब हम इस पर छौंक लगाएंगे। तो छौंक लगाने के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले ऑयल हमने लिया है छौंक लगाने के लिए। इसके अलावा पीनट्स हैं, यानी कि मूँगफली हैं, हरा धनिया हमने लिया है, कटी हुई हरी मिर्च है, करी पत्ते हमने कुछ लिए हैं, बड़ी वाली राई है, छोटी बनारसी राई ली हमने। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी हमको इसका छौंक बनाने के लिए। आइए हम इसका बकाया तैयार कर लेते हैं। देखिए, पैन में हमने तेल को गर्म कर लिया है, जिसमें हम दोनों